नमस्कार दोस्तों, मेरा तेरा छोटा और बड़ा, अपना और पराया, ये सब कुछ मन से मिटा दीजिए, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। नमस्कार दोस्तों, ओम साई नमः, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज आपका 13 अक्टूबर दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, आपको आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा, और आपको बता दें आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, और इसके साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आज गुरुवार है, साईनाथ महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में ओम साईनाथ महाराज जरूर लिखना। दोस्तों वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज का पंचांग है 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार। आज की तिथि है चतुर्थी। आज का नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। दोस्तों आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:20 पर। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 5:54 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 10:13 से सुबह 10:57 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 2:49 से दोपहर 3:35 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 7 और लकी कलर है सिल्वर और सफेद। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राशिफल के बारे में। तो दोस्तों कैसा रहेगा आपका दिन, चलिए जानते हैं। दोस्तों किसी प्रकार की नकारात्मक बात से दूरी आ सकती है। साथ ही आपको बता दें कि आप खुश मिजाज व्यक्ति हैं जो अपनी बातचीत और व्यक्तित्व से किसी को भी प्रभावित कर सकता है। आप अपने कॉन्टेक्ट और नेटवर्किंग का फायदा उठाकर आप अपने व्यवसाय में सफलता और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें समय समय पर आपको परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को ध्यान को सुनिएगा कि यदि कुछ दिनों से आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, ठीक नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आपको लापरवाही आज के दिन बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। किसी अच्छे दोस्तों डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करिए, अपना चेकअप करवा लीजिए, अपना इलाज भी अच्छे से करवाइए, क्योंकि इस समय सेहत में थोड़ी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। आपकी लापरवाही के कारण आपकी बीमारी और बढ़ सकती है, इसलिए दोस्तों आपको यही कहेंगे कि छोटी भी अगर कोई परेशानी है, सर्दी जुकाम भी हो, तो पहले दोस्तों चेकअप जरूर करवा लें, वरना आने वाले समय में बड़ा रूप धारण कर सकता है। सेहत बंद रह सकती है, आप जीवन में अच्छे हो जाएंगे। कामकाज की बात कर लें तो दोस्तों नौकरी वाले लोगों को दफ्तर में किसी अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जिस चीज की आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, उस अवसर की दोस्तों प्राप्ति आपको हो सकती है। जल्द ही आपकी बड़ी तरक्की होने के आसार बन रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों समय सुचारू रूप से चलने के कारण आपको बड़ी उपलब्धियों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। जीवन में यदि दोस्तों कोई भी परेशानी है तो आपको भगवान पर विश्वास रखना है और खुद को हिम्मत देनी चाहिए। अगर दोस्तों लोग आपके साथ में विश्वासघात कर रहे हैं तो आपको खुद की मासूमियत को समझना होगा, और दोस्तों कि आपको चालाक बनना चाहिए। हर बार लोग आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का गलत फायदा उठाकर आपको ठग लेते हैं, आपको मूर्ख बना लेते हैं। तो दोस्तों अब आपको खुद को चालाक बनाना है, थोड़ा क्लेवर बनना है, ये आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जिंदगी में एक बार दोस्तों हमेशा ध्यान रखनी है कि जो कि कील सीधी होती है उसे ठोक दिया जाता है, लेकिन जो मुड़ी हुई होती है वो बच जाती है। अब आगे समझदार को इशारा ही काफी है। इन दिनों में दोस्तों आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है, आपको लगेगा कि कोई आपको धोखा दे रहा है,
सही बात जानने के लिए आपको परिवार के सदस्यों के साथ में बातचीत करने की आवश्यकता है। कार्यपथ लोगों को तैनात सहकर्मियों से दोस्तों प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि छोटी छोटी चीजें हैं, उन पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं जाने देना है किसी भी बात को। दोस्तों के साथ में जरूरत पड़ने पर दोस्तों इस पर बात करने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को दबाए रखने से दोस्तों आपको नुकसान बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, सामने व्यक्त करना है। और दोस्तों भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान ना करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप किसी के बहकावे में आ सकते हैं और अपना खुद का दोस्तों नुकसान करवा देंगे। इस समय दोस्तों जो है आपको भावुकता से काम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस समय आपको अपने विवेक से काम लेने की आवश्यकता है, अपने मन पर काबू रखना है और दिमाग पर भी। समय आ चुका है दोस्तों, इसलिए जो भी करें अपने दिमाग से करिएगा, वरना नुकसान आप ही को होगा। कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, कोई नया निवेश करने जा रहे हो, तो दोस्तों पहले अच्छी तरह से दोनों सिक्कों के पहलुओं को आपको अवश्य ही जान लेना है, क्योंकि दोस्तों दोनों पहलुओं के बारे में अगर आप जान लेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या रिस्क है इस कार्य में और दोस्तों क्या काम बिगड़ने की संभावनाएं हैं। वहीं दोस्तों अगर व्यवसाय परेशानियों की बात करी जाए तो आपकी परेशानियां दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, अधूरे कामों में गति आएगी। भूमि संपत्ति से संबंधी काम दोस्तों आपका फायदेमंद रहने वाला है। अजनबी लोगों पर भरोसा आपको आग मूंद कर नहीं करना है, हो सके तो ना ही करें। वहीं दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो आपको मुसीबतों में डालकर चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको कुछ दूर रहना है, ये आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जिनका सामना आपको अच्छे से करना है, ये आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। राजकीय मामलों को थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों किसी उच्च अधिकारी से कहा सुनी भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होगा, अत्यधिक समय कार्य आपके व्यवसाय में निर्विघ्न पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति भी इस समय बेहतर है, परंतु दोस्तों टैक्स और लोन संबंधित मामलों को स्थगित रखना आपके लिए उचित रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति जो है अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें, क्योंकि दोस्तों पदोन्नति के अवसर इस समय बन रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों इस समय घर का वातावरण और मधुर बना रहेगा। अचानक ही किसी प्रॉपर्टी संबंधित लोगों से मुलाकात हो सकती है, मन काफी प्रफुल्लित रहेगा तथा दोस्तों इस समय पुरानी यादें भी ताजा होंगी। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपकी लव लाइफ के लिए बात करें तो दोस्तों आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय है, दोस्तों जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, दोस्तों उनका सहयोग करना आपके लिए आवश्यक होगा। इससे दोस्तों आपसी संबंध में नजदीकियां आ सकती हैं। इस समय दोस्तों आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होगा, दोस्तों अत्यधिक व्यवस्था के बावजूद भी आपको अपने परिवार के लिए कुछ समय अवश्य निकालें, इसलिए परिवार में आपसे प्यार और सामंजस्य बना रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।